और ये क्या कर रही है मैम, ये क्या कर रही है? नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपने क्या कर सकती है? हमें आराम से मैडम, एक मिनट, ये क्या कर रही है मैम, ये क्या कर रही है? नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कंगना दा पै गया है एक होर पंगा। जी हाँ, थप्पड़ वजन तो बाद कंगना रनौत दा एक होर पंगा सामने आया है। दरअसल कंगना रनौत ने एक वार्ता स्टेटमेंट दे दिती, जिस दे विच उन्होंने ये कह दिता कि पंजाब दे विच आतंकवाद ते उग्रवाद वध रहा है। उस तो बाद भी कंगना ने एक ऐसी हरकत की थी जिस तो बाद हर कोई हैरान है कि आखिरकार MP नू ऐसी हरकतां शोभा दिंदियां ने क्या। जी हाँ, तुहानू दस दईए कि रीसेंटली कंगना रनौत जब दिल्ली दे विच मौजूद सी, उस वेले एक रिपोर्टर ने जाके उन्हां तों सवाल पुछया, तां बस फिर की सी, इन्नी क गल दे उत्ते ही कंगना रनौत नू गुस्सा आ गया, क्योंकि सवाल उन्हां दे पक्ष दा नहीं सी, ते बस फिर की सी। कंगना रनौत ने रिपोर्टर दा माइक तक फाड़ लिया। रिपोर्टर पुछता रह गया कि आप की करी जा रहे हो, लेकिन कंगना रनौत अपनी हरकतां तों तां बाज नहीं आ सकती। रिसेंटली MP जो बने ने कंगना रनौत ने मंडी तो इलेक्शन लड़िया, BJP तो टिकट मिली सी ते जित भी हासिल की थी। उस तो बाद जद दिल्ली जा रही सी, उस वेले चंडीगढ़ एयरपोर्ट दे उत्ते CISF कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिता, जिस तो बाद कंगना ता हैरान सी, लेकिन जो सब तो ज्यादा हैरान करन वाला सी ओ सी कंगना रनौत दा बयान, क्योंकि कंगना रनौत ने अपनी सफाई दंदे होए ए कह दिता कि पंजाब दे विच जो अतवाद ते उग्रवाद वध रहा है उस दे लई कुछ करना चाहिदा है। जिस तो बाद हर पास कंगना दे उत्ते टिप्पणियां जरूर हो रही ने। नाल दी नाल कंगना रनौत दी भैन ने भी बहुत वड्डी स्टेटमेंट दे दित्ती। उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया ते पोस्ट करदे होए कहा कि जिस कांस्टेबल ने थप्पड़ मारिया है उस नूं सस्पेंड करके कुछ नहीं होना, इस नूं खालिस्तानियां तों पैसे मिले होणगे, इस नूं रिमांड ते लेना पैणा है। कुछ इस तरह दे नाल दोहां भैणां वल्लों कुछ ऐसियां टिप्पणियां कीतियां गईआं जिस नूं सुण के हर कोई हैरान है। लेकिन कंगना रनौत दा इस तरह दे नाल रिपोर्टर दे नाल भी बदतमीजी करना कितों शोभा नहीं दिंदा। रनौत जी, तुसी थोड़ा जिहा संभल जाओ, हुण तुसी MP बन गए हो, ए गल्लां तुहानू बिल्कुल शोभा नहीं दंदियां, तुसी जनता नू रिप्रेजेंट करदे हो, तुसी जनता दी गल सुनो, ना कि इस तरह दा विहार सामने रखो।